परिणीति चोपड़ा इस वक्त फिल्म अमर सिंह चमकीला को लेकर काफी चर्चा में हैं। ये फिल्म बीती अप्रैल 12 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो चुकी है, जहां दिलजीत दोसांझ चमकीला के किरदार में खूब चमक रहे हैं और अपनी एक्टिंग की वाहवाही पा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ परिणीति चोपड़ा भी अपनी परफॉर्मेंस से खूब तारीफें बटोर रही हैं। उनकी एक्टिंग को लेकर लोग उनकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। फिल्म में वो चमकीला की दूसरी पत्नी अमरजोत का रोल प्ले कर रही हैं और इस रोल के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। यहाँ तक कि उन्होंने 15 किलो वजन भी इस रोल के लिए बढ़ाया है स्पेशली। इस फिल्म को लेकर कई किस्से मशहूर हो रहे हैं और लोग इस फिल्म की काफ़ी बातें कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इसी बीच परिणीति चोपड़ा ने अपने करियर को लेकर बातचीत की और अपने पुराने दिनों को याद किया। दरअसल परिणीति चोपड़ा ने साल 2012 में फिल्मी डेब्यू किया था। फिल्म थी इश्क जादे, जिसमें उनके साथ अर्जुन कपूर थे। अपने 12 साल के करियर में इस एक्ट्रेस ने 8 फ्लॉप फिल्में दी हैं और इसी चीज़ पर परिणीति ने खुलकर बात भी की। हाल ही में एक इंटरव्यू में परिणीति चोपड़ा ने बताया कि जो उनकी पुरानी फिल्में हैं वो फ्लॉप आखिरकार क्यों हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें कई लोगों ने गलत सलाह दी थी और उन्हीं सलाह को सुनने के बाद मैंने फिल्में की, यानी कि उन्होंने वो फिल्में की जो मुझे उस वक्त ठीक लग रही थी या फिर कमाई करने वाली लगी थी। हालांकि वो मानती हैं कि उस वक्त उन्हें इस इंडस्ट्री का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, इसी के चलते करियर में कई गलतियां की उन्होंने और उस वक्त का आज तक खामियाजा वो भुगत रही हैं। लेकिन परिणीति ने लोगों की गलत सलाह मानने पर भी खुद को ही दोषी ठहराया। परिणीति का कहना है कि अगर उस वक्त अपनी बात पर वो अड़ी रहती और मन की आवाज़ सुनती तो शायद मुझसे करियर में कम गलतियां होती। लेकिन उस वक्त आसपास ऐसे कई लोग थे जो उन्हें गलत सलाह दे रहे थे, गलत ट्रेंड चुनने को कह रहे थे। एक्ट्रेस की फैशन चॉइस पर भी कई लोग शामिल थे जो कि उन्हें गलत सलाह और गलत राह की तरफ ले जा रहे थे। वो कहती हैं कि अगर इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ पहले से जानती तो मुझे उन लोगों की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। परिणीति चोपड़ा ने कहा कि अब आगे उन्हें क्या करना है ये समझ अब आ चुका है, बस अब मुझे ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है जो उनकी पिछली फिल्मों को ना देख के उनके टैलेंट को देख के उन्हें रोल दें और वो अपनी गलतियों को इस तरीके से सुधारें और अपने टैलेंट को लोगों के सामने लेके आए। हालांकि ये सुनने के बाद फैंस के कुछ शॉकिंग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं प्रियंका चोपड़ा परिणीति चोपड़ा की बहन हैं और वो काफ़ी लंबे समय से इस इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। लेकिन उस सब के बावजूद भी उनके पास कोई उन्हें समझाने वाला नहीं था, जबकि कुछ लोग इसे नई शुरुआत भी बता रहे हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सभी बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।